क्योंकि आप कहते ये इंटरनल मैटर है, हो गया। आपने एक स्टेट को मतलब बाइफर्केशन कर दिया, हो गया। लेकिन लेकिन नहीं नहीं नहीं, लेकिन मेरा कहना है कि 1948 से 1948 में जहां यूनाइटेड नेशंस की मॉनिटरिंग हो रहे हैं, वो का इंटरनल मामला है नंबर वन। सिमला एग्रीमेंट, लाहौर समझौता हम लोग किए थे, वो का इंटरनल मामला थे, ये बायलैटरल। कुछ दिन पहले जयशंकर जी पोम्पियो जी को कहा कि ये हमारा बायलैटरल मामला है, आप इसमें दखलअंदाज मत करो। तो फिर उसके बाद भी क्या जम्मू कश्मीर इंटरनल मामला हो सकता है? जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं मान्य सदस्य, इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बोला हूं, तब तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है, ये बात को आज। और हमारे संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय करी है, और जम्मू कश्मीर के संविधान ने जम्मू कश्मीर की जो सीमाएं तय की है, उसके अंदर पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों समाहित। पढ़ता हूं पर बैठ, अरे बैठो लो, अरे पूरा सुनिए भाई, पहले सुनिए, बैठिए। आप जो पूछेंगे सब चीज का जवाब दूंगा बालू साहब। मन में सोचते इस तरह से दुनिया नहीं चलती है, संविधान के हिसाब से चलती है। आप मुझे पहले सुनिए।